ये सलमान खान, मैं शाहरुख खान और ये सैफ अली खान बीच में बैठा है। अबे कैमरा सीधे पकड़ना, पेन मत देना। 10% का डिस्काउंट आपके नाम से। हाँ, मेरे नाम से आपको यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। बहुत जल्द हर्षित पार्टी का आने वाला है, ग्रैंड पार्टी। मतलब इतनी ग्रैंड पार्टी आपने किसने सोची भी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ हम लोग सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। अभी टाइम हो रहा है 8:52 और आज है मेरा एग्ज़ाम, तो बस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा था और अभी थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा था नोट से। तो मेरा एग्ज़ाम है 11 बजे से और अभी मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ और मतलब थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा रहता है पढ़ लेता हूँ, फिर कॉलेज के लिए रेडी होता हूँ और फिर निकलता हूँ। तो होप करता हूँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए, जैसे मेरा पहला वाला एग्ज़ाम अच्छा गया था तो ये वाला भी अच्छा जाएगा। तो मैं आज भी गोप्रो नहीं ले जाने वाला कॉलेज, लास्ट नहीं ले जाऊँगा गोप्रो कॉलेज। सो गाइस, प्रॉपरली रेडी हो चुका हूँ और मैंने रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है और अभी टाइम भी हो चुका है 9:45। कॉलेज थोड़ा जल्दी लेंगे क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, होता ही है एग्ज़ाम टाइम में। कोई नहीं, जितना पढ़ लिया भगवान भरोसे जाते हैं और दे आते हैं। होप करते हैं पेपर अच्छा जाए और आप लोग की गुड विशेस के उससे अच्छा भी जाएगा। तो चलते हैं अभी कॉलेज और मिलता हूँ आपको कॉलेज से आने के बाद। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कॉलेज से और मैं अभी जरा एड्रेस चेंज करने जा रहा हूँ और फिर आपको मिलता हूँ रूम पे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:46 और मैं कॉलेज से आ चुका हूँ। 1 बजे मेरा पेपर छूट गया था, थोड़ा दोस्तों से बातचीत करने में थे, थोड़ा पेपर डिस्कस किया और पेपर काफ़ी अच्छा गया। बस मार्क्स भगवान भरोसे हैं, पेपर तो अच्छे आते हैं हर बार और मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो अच्छा गया पेपर और अब नेक्स्ट पेपर मेरा है 18 को, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी क्योंकि इसमें एक ही दिन का गैप है। बाकी अभी का प्लान ही है, अभी मैंने 2-3 जगह जाना है, मैं आपको बताया था वहाँ जाना है, मैं बता ही देता हूँ। मैंने जरा हेयर कट कराना है, निखिल भाई की दुकान में जाना है, तो वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ ले जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वहाँ का प्रॉपर प्रोडक्ट दिखाऊंगा और उनका जो हेयर कटिंग का स्टाइल है वो भी दिखाऊंगा सब कुछ। पहले मैं भी ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, उसका लंच कर लेता हूँ, फिर चलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी मैं, मुन्ना और योगेश, हम तीनों जा रहे हैं हेयर कट कराने के लिए। मुन्ना का तो हेयर कट परसों ही कटा है, मैं और योगेश ने कराना है हेयर कट, तो अभी चल रहे हैं और जहाँ हम वही द फैमिली सैलून में रहे निखिल भंडारी जी के, तो अभी चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपको डायरेक्टली। तो योगेश भाई, कैसे बाल कटाने वाला आज? आज सलमान खान, ये सलमान खान, मैं शाहरुख खान और ये सैफ अली खान बीच में बैठा है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं निखिल भाई की दुकान। निखिल भाई, क्या हाल है? क्या हाल है मानसी भाई? बढ़िया। और यान भाई, क्या हाल है? सो गाइस, अभी हम कराने वाले हैं यहाँ पर हेयर कट और हेयर स्पा। तो भैया, पहले हेयर कट करोगे या हेयर स्पा करोगे? भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप बताइए, आप बताइए। वेलकम, थैंक यू भैया। तो क्या करोगे? पहले आपकी हेयर कट करेंगे। ठीक हो गया, स्क्रीन थर्ड हेयर कट करेंगे। ठीक हो गया, पहले हेयर कट कर लेते हैं। ले कैमरा पकड़ लें। अबे कैमरा सीधे पकड़ना, पेन मत देना। हो चुका है और अब स्पा होने वाला है। बाकी मैं अभी फाइनल दिखाऊंगा आपको कि हेयर कट कैसा हुआ है। अभी तो मैं पहले स्पा करा लेता हूं। सो गाइस, अभी हेयर कट हो गए, हेयर स्पा हो रहा है, बाकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा स्पा में। बाकी यहां पर अभी योगेश भाई के हेयर कट हो रही है और निखिल भाई हमारे यहां पर कॉफी बना रहे हैं। बाकी यहाँ पर भाई लोग भी, अर्जुन भाई और निखिल भाई और हमारे राकेश भी बैठे हैं। राकेश, अर्जुन भाई, दो चार सब तैयार हमारे। सो गाइस, अभी फाइनली हेयर स्पा और हेयर कट दोनों हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि मेरे हेयर कट कैसे लग रहे हैं। बाकी समय थोड़ा सीरम लगाया तो बाल थोड़े बैठ गए हैं, बाकी नहीं तो मुझे तो बेस्ट लगे हैं। और योगेश भाई का लुक है, देख लो, घुमरा लू बाल से और बहुत अच्छे काटे हैं भैया, नहीं देख लो, मैं तो अपने दिखा नहीं सकता लेकिन बेस्ट। गाइस, मेरा हेयर कट हो चुका है और मेरे संग अभी बैठे हैं भैया रियान भैया। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बॉयज़ की हेयर कट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बाकी भी भैया बताएंगे। तो भैया, जैसे कि आपको पता है शादी का सीज़न आ रहा है, तो ये शादी के लिए स्पेशल क्या चीज़ें मिल पाएंगी हमारे व्यूअर्स को, ये बता दिए, सर्विसेज क्या मिल पाएंगी?
पहले तो मैं आप लोगों को सब लोगों को नमस्कार करता हूँ द फैमिली यूनिसेक्स सैलून की तरफ से। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शादियों का सीजन स्टार्ट है, स्पेशली हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों ने हायर कर रखे हैं नॉर्थ ईस्ट के। हॉलीवुड मेकअप मिल जाएगा आपको, ब्राइडल पैकेज वगैरह, ड्रेसअप और आपके हेयर स्टाइलिंग वगैरह, एचडी मेकअप, ब्रश मेकअप, ये सब चीज़ें हम लोगों के यहाँ अवेलेबल मिलेगी। और बॉयज़ के लिए ग्रूमिंग वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी और एट होम सर्विस भी कर सकते हैं आप लोग, वो आपकी बुकिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो गाइस आपको ये सब सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी। और अभी हमारे साथ हैं निखिल भाई, यहाँ के ओनर। हेलो, ये मेरे दोस्त भी हैं और मतलब हमारे मतलब बहुत पहले से दोस्त हैं हमारे निखिल भाई। और निखिल भाई, तो मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ आएंगे और मेरा नाम लेंगे तो उनको मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए। 10% का डिस्काउंट आपके नाम से। हाँ, मेरे नाम से आपको यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ कि लोकेशन है कमलो गाजा रोड नियर त्रिमूर्ति मंदिर, और ये शॉप का नाम है द फैमिली सैलून। बाकी मैं यहाँ का एड्रेस और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी आप द फैमिली सैलून को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लेना और फोड़ देना। तो गाइस ये है यहाँ पर लोकेशन, नीचे आप त्रिमूर्ति मंदिर देख सकते हैं और ये है मेन रोड और यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर है। तो आप यहाँ पर आके पक्का एक बार विजिट करें मेरे लिए खासकर। और निखिल भाई थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। थैंक यू भैया, रियान भैया आते हैं बहुत जल्द। गाइस मैं हेयर कट करा के मैं भाई की कोचिंग में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है वीडियो अपलोड और यहाँ भी। सो गाइस जैसे कि आपको पता है मैं भी हेयर कट करा के आ रहा हूँ निखिल भाई की शॉप से द फैमिली सैलून से। बाकी जो उन्होंने हेयर कट करी है एक नंबर, मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे दो तीन जनों ने बताया कि बहुत अच्छी लग रही है। और बाकी मेरी तरफ से सजेशन आपको कि आप लोग पक्का एक बार वहाँ जाएँ और विज़िट करें और वहाँ से हेयर कट कराएँ। बाकी आप सोच रहे हो कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वहाँ की मतलब जो सर्विस थी बहुत बेस्ट लगी, हाइजीनिक सर्विस थी, मतलब अनहाइजीनिक कुछ नहीं था वहाँ। बाकी जो मैं कहीं शॉप में जाता हूँ थोड़ा अनहाइजीनिक वे में बाल बाल काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल हाइजीनिक वे में और बेस्ट सर्विस मिली मुझे। और निखिल भाई वैसे ही मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो भाईचारा में हमेशा अपने दोस्तों और भाइयों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो निखिल भाई को जाके सपोर्ट करो और प्यार दो। और आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको मेरी तरफ से मतलब निखिल भाई की तरफ से 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जाओ फटाफट से निखिल भाई को, और निखिल भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लेना द फैमिली सैलून में। तो जाओ। तो गाइस अभी मैं और योगेश फुटबॉल टूर्नामेंट देखने जा रहे हैं जहाँ हम परसों गए थे RUFC में, चल रहे हैं। बाकी अब शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है तो रोडों में जान रखना शुरू हो जाएगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड में, शायद से मैच खत्म हो गया और बच्चे आपस में खेल रहे हैं, हमारा पोपट हो गया है, योगेश पोपट हो गया हमारा। तो अभी यहाँ चल रहा है मैच, देख सकते हो। तो अभी थोड़ा गेड़ी मार रहे हैं और उसके बाद फिर घर ही चल देंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा डिनर विनर करके एडिटिंग करनी है, और फिर परसों का पेपर भी है, पढ़ाई भी करनी है। मतलब कि आप कह रहे हो कि पेपर वेपर ही कर रहा है, तो मेरे आप डेली रूटीन में ही पेपर चल रहे हैं, वन डे टू डे का ही अब चल रहा है, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी घर चलते हैं जल्दी से जल्दी, थोड़ा डिनर कर लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ लेंगे, अभी चल रहे हैं, थोड़ा गेड़ी मार लेते हैं पहले। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:28 और मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा था अभी, बाकी मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद आने लगी है तो अभी एडिटिंग नहीं करता हूँ, कल सुबह उठूँगा और कल सुबह एडिटिंग भी कर लूँगा और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लूँगा क्योंकि परसों फिर दोबारा पेपर है 18 को। तो अभी सो जाता हूँ और गुड नाइट, और आपको सुबह मिलता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं और हर्षित, और हर्षित अभी हर्षित के वहाँ आया था कुछ काम था, तो अभी काम हम निपटा लिया है, तो हर्षित को भी घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद चलते हैं घर को। और आज बहुत सारे काम निपटाने हैं और बहुत जल्द हर्षित पार्टी कराने वाला है, ग्रैंड पार्टी, मतलब इतनी ग्रैंड पार्टी आपने किसने सोची भी नहीं होगी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:47 और आज मैंने मतलब दिन भर ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज दिन भर बारिश भी हो रही थी और मेरा एग्ज़ाम भी था, तो एग्ज़ाम भी अच्छा गया। तो यहीं पर एंड अप करते हैं ब्लॉग को, होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।